नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में। आज का हमारा एजेंडा है किस प्रकार हम वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट अथवा फॉर्मेट कर पाएंगे। हम आज सीखेंगे कट कॉपी पेस्ट किस प्रकार किया जाता है, अंडू और रीडू किस प्रकार हम कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे बुलेट्स और नंबरिंग पर, फॉन्ट किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, इन विषयों पर हम बात करेंगे। कॉपी एवं पेस्ट, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कॉपी का सिंबल और पेस्ट का सिंबल दिखाई दे रहा है। आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और उस पर माउस पॉइंटर से क्लिक कर दीजिए, आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, आप जिस जगह पर उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर अपना माउस का पॉइंटर ले जाइए और पेस्ट वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए, आप उसको पेस्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार आप किसी टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। कट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, और साथ ही जहाँ आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं अपने माउस पॉइंटर को उस स्थान पर ले जा करके अपने पॉइंटर से, माउस के पॉइंटर से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, अथवा कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एक्स एवं पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ वी। तो इस प्रकार आप कट कॉपी पेस्ट की प्रोसेस बिना पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से भी कर सकते हैं। किस प्रकार टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट को कलरफुल लिख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है फॉन्ट टैब। अगर आप फॉन्ट टैब पर जाएंगे जो कि होम मेन्यू में अवेलेबल है, इस तरीके से रिबन आपको दिखाई देगा, हमने मार्क किया हुआ है। जो पॉइंट वन है वो आपको फॉन्ट, आप किस फॉन्ट स्टाइल से लिखना चाह रहे हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही फॉन्ट का साइज आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको चित्र में दिखाई दे रहा है आप किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक साथ ग्रो या श्रिंक कैसे कर सकते हैं। किसी फॉन्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और आप चाहते हैं कि उसके फॉन्ट साइज़ बढ़ाया जाए, उनके अलग अलग फॉन्ट साइज़ के अनुपात में आप ग्रो बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन आप इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार अगर आप ग्रो करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन आप इस्तेमाल करेंगे। आप फॉन्ट बोल्ड करना चाह रहे हैं अथवा किसी पहले से बनी हुई स्टाइल को अर्थात उस फॉर्मेटिंग स्टाइल को क्लियर करना चाहते हैं, तो बिंदु चार पर आप क्लिक कीजिए क्लियर फॉर्मेटिंग। अपने लिखे हुए टेक्स्ट को मोटा करना चाहते हैं क्लिक कीजिए बिंदु पाँच पर, जिसका शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल के साथ बी। इसी प्रकार इटैलिक और अंडरलाइन भी आप कर पाएंगे, इटैलिक का शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल के साथ आई और अंडरलाइन का शॉर्टकट भी आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल के साथ यू। साथ ही हम बात करते हैं किस प्रकार आप स्ट्राइक थ्रो और सबस्क्रिप्ट अथवा सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कि अगर आप किसी लिखे हुए को कट करना चाहते हैं, उसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और स्ट्राइक थ्रू बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है सबस्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सी ओ टू, जो टू है वो बेस लाइन से नीचे को लिखा गया है, अमूमन ऐसा ही लिखा जाता है, आप उस टू को सेलेक्ट कीजिए और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए, जिसका शॉर्टकट आपको दिखाया गया है कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन। इसी प्रकार आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह के ऑप्शन की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ सकती है, आप लिखना चाहते हैं एक्स की पावर वाई, तो एक्स के ऊपर जो दो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप दो लिखिए, उसको सेलेक्ट कीजिए और सुपर स्क्रिप्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू को सेलेक्ट करने के बाद, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस का आप इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं चेंज केस पर। पांच तरह का चेंज केस वर्ड्स 2007 पर आपको मिलेगा, जो इस प्रकार है।
सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन, ईच वर्ड एंड टॉगल केस। आप किसी लिखे हुए टेक्स्ट को अपर केस में बदलना चाह रहे हैं, अगर आप उसको स्मॉल में लिखे हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने बाद अपर केस में क्लिक कर सकते हैं। आपने अपर केस में लिखा है, आप चाह रहे हैं उसको लोअर केस में बदलें, स्मॉल लेटर्स में चेंज कर दें, आप सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को और लोअर केस में बदल सकते हैं। इसी तरीके से आप जो 5 तरह के चेंज केस हैं उनको एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आप कीजिएगा। बात करते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर के बारे में। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप चाहते हैं कि उसको फोकस कलेक्ट करने वाला बनाया जाए, थोड़ा हाईलाइट किया जाए, तो आप इसमें विभिन्न प्रकार के हाइलाइटर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आप तब कर पाएंगे जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं अपने फॉन्ट को डिफ़ॉल्ट कलर के अलावा किसी और रंग में लिखा जाए तो आप फॉन्ट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिंदु 13 पर दिखाया गया है। ये हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पर, किस प्रकार आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं अगर आप चाहते हैं कुछ और डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बात क्लिक कीजिएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर, कुछ इस तरीके का चित्र आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ से भी आप चुनाव कर सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा ये सब फॉर्मेटिंग उस सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो सकती है। इसको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार अपने टेक्स्ट को आप फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ पर, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट इत्यादि। बिंदु 1 पर हम बात कर रहे हैं बुलेट्स पर, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है जिसको आप पॉइंट वाइज लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को लिखने के पश्चात आप सेलेक्ट कीजिए, आपने एक बिंदु लिखा, एंटर प्रेस कर दीजिए, दूसरा बिंदु लिखिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, इसी प्रकार लिखते जाइए और आप एंटर प्रेस करते जाइए, और साथ ही सबको सेलेक्ट करने के बाद आप बिंदु 1 पर क्लिक कर दीजिए, इसको हम बुलेट्स कहते हैं। बुलेट के ये निम्न प्रकार हैं, चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने बिंदुवार लिखे हुए टेक्स्ट के लिए बुलेट्स के बजाय नंबरिंग स्टाइल देना चाहते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है, बिंदु 2 पर क्लिक कर दीजिए और कुछ नंबरिंग स्टाइल के फॉर्मेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस किसी भी फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का एग्जाम्पल बुलेट्स और नंबरिंग के रूप में आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। हमने कुछ फ्रूट की लिस्ट दे रखी है, एक तरफ फ्रूट नेम लिखे हुए हैं उनको बुलेट्स के माध्यम से दिखाया गया है, दाहिनी ओर नंबरिंग का लिस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है, वही फ्रूट नेम लिखे हुए हैं उनको नंबरिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इसी प्रकार हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट में हम हायरार्किकल स्टाइल में अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आप भी प्रयास कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट पर, किस प्रकार से वर्ड 2007 पर हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। हमारे पास 4 तरह का टेक्स्ट अलाइनमेंट है जिनके नाम आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिनके कीबोर्ड शॉर्टकट उनके सम्मुख लिखे हुए हैं। लेफ्ट के लिए है कंट्रोल एल, सेंटर के लिए है कंट्रोल आई, राइट के लिए है कंट्रोल आर और जस्टिफाई के लिए है कंट्रोल जे। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है ये समझना चाहते हैं, आपकी स्लाइड के ऊपर दिखाया गया है एग्जाम्पल के साथ लेफ्ट अलाइनमेंट, साथ ही दिखाया गया है सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट का भी एग्जाम्पल आपके स्लाइड के ऊपर है। आप अगर टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जो कि अमूमन हमें करना चाहिए, उसके लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में, बिंदु 5 पर दिखाया गया है। आप किन्हीं 2 लाइन्स के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या नंबर ऑफ लाइन्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तत्पश्चात आप लाइन स्पेसिंग पर क्लिक कर सकते हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है 1, 1.15, 1.5 इत्यादि दिखाई दे रही हैं। अगर आप इनके अलावा कुछ लाइन स्पेसिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन पर, किस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट का सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं उसके इंडेंट पर, बिंदु 6 पर आपको दिखाई दे रहा है।
साथ ही हम बात कर रहे हैं शेडिंग पर। अगर आप किसी टेक्स्ट पर शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिंदु 7 पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह के शेडिंग कलर्स दिखाई देंगे। आप किसी भी एक कलर का चुनाव कर सकते हैं और वो कलर की शेडिंग आप अपनी डॉक्यूमेंट में पाएंगे। साथ ही हम बात कर रहे हैं बॉर्डर पर। अगर आप अपने टेक्स्ट को किन्हीं बॉर्डर का इस्तेमाल करना चाहते हैं टेक्स्ट के लिए, बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार चित्र दिखाई देगा। आप अगर किसी एक तरह का बॉर्डर चाह रहे हैं, उनमें नाम लिखे हुए हैं, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, नो बॉर्डर, आप एक एक करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको चुनाव करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। तो आज हम कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के। उम्मीद है ये ऑप्शन जो हम चर्चा कर रहे थे आपके लिए कामगार साबित होंगे। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।